नीलम यादव जी की हत्या करने वाले का जिस तरह से बचाव भागलपुर के एसपी कर रहे हैं, यह बहुत ही दुखद है। भागलपुर पुलिस अधीक्षक कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई अल्पसंख्यक समाज से उधार लेगा तो उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जाएगा, और यह किस तरफ वह ले जाना चाह रहे हैं केस को। यह बहुत ही दुखद घटना है, जिसने भी किया है वह इंसान नहीं हो सकता है। पर पुलिस अधीक्षक द्वारा यह कहना कि उधार नहीं लौटाया जा रहा था इसलिए इस तरह की हत्या की गई है, यह बताता है कि पुलिस अधीक्षक जी को अल्पसंख्यकों के प्रति कितनी घृणा है। वह यह कहना चाहते हैं कि अगर किसी अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक समाज उधार लेगा और उसका उधार नहीं चुकाएगा तो वह अल्पसंख्यक उसके हाथ पैर और प्राइवेट पार्ट्स काट देगा। बहुत ही दुखद पुलिस अधीक्षक का बयान है। पुलिस अधीक्षक को अपने बयान पे माफी मांगनी चाहिए। बिहार सरकार से भी मेरा अनुरोध होगा कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर शीघ्र से शीघ्र अपराधियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। इसको दूसरे तरफ ले जाना यह बताता है कि बिहार सरकार और पुलिस अधीक्षक की संवेदना शून्य हो चुकी है।